हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने चार मेजर सब्जेक्ट को कर लिया है, फूड एंड न्यूट्रिशन हुआ, टेक्सटाइल, सीडी और सीटी को। तो वो सभी इसी चैनल पर हैं, वीडियो देख लेना। साथ साथ में हम क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी कर रहे हैं और एलिमिनेशन टेक्निक से मैं आपको करवा रही हूँ। अभी एक ही क्लास हुई है, फूड्स के मैंने 15 क्वेश्चन करवाए हैं, तो वो इसी चैनल पर हैं, आप जाकर देख लें। आज चलते हैं, हम क्या करने जा रहे हैं आज की क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है होम मैनेजमेंट, उसकी डेफिनेशन होगी। मैनेजमेंट प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं, वो करेंगे हम। फिर है वैल्यू, गोल, स्टैंडर्ड्स, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव जो भी पार्ट रहेगा उसको डिफाइन किया हुआ है। फिर है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं और क्या इंपॉर्टेंट है उसमें, वो चलो देखते हैं आज। फिर है कंसेप्ट ऑफ होम मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट क्या है डिफाइन किया हुआ है। होम मैनेजमेंट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट टू हेल्थ, हैप्पीनेस एंड वेलबींग ऑफ द फैमिली। वन पॉइंट ये हो गया आपका। फिर है कि होम मैनेजमेंट डील्स विद द यूजिंग व्हाट वी हैव टू गेट व्हाट वी वॉन्ट, कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज वगैरह हैं और हमें मतलब क्या हमारा गोल एम है वो चाहिए, ये एक्सप्लेन किया है। व्हाट वी हैव इज़ द रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट वी हैव मे बी टाइम, मनी, एनर्जी, स्किल्स एट्सेट्रा, ह्यूमन नॉन ह्यूमन उसमें रिसोर्सेज होंगे। व्हाट वी वांट इज़ द अचीवमेंट ऑफ गोल्स, हमारा गोल को अचीव करने के लिए हम जो रिसोर्सेज यूज़ करेंगे उसको क्या कहेंगे, होम मैनेजमेंट। फिर मैनेजमेंट प्रोसेस विल इनेबल वन टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट अवेलेबल रिसोर्सेज, यूज देम इफेक्टिवली टू अचीव द डिज़ायर्ड गोल्स। ये हो गया डेफिनेशन की जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, यूटिलाइज करेंगे एफिशिएंटली, और जो डिज़ायर्ड गोल है उसको इफेक्टिवली अचीव करने के लिए उनको यूज़ करेंगे। फिर है मैनेजमेंट प्रोसेसेस में से क्वेश्चन अच्छे आते हैं, जैसे स्टार्टिंग में क्या है कि मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या 3 स्टेप्स हैं, उसमें फर्स्ट है प्लानिंग, प्लान करेंगे हम, फिर हम कंट्रोल करेंगे, फिर इवेलुएट करेंगे। तो ये 3 स्टेप हैं इसके, इसको हम एक्सप्लेन मतलब डिस्कस करेंगे डिटेल में। प्लानिंग क्या है, वर्किंग आउट वेज और ए कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब ब्लूप्रिंट है एक टाइप से कि प्लानिंग को हमने क्या किया है उसको एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन है उसमें क्या क्या है, हमारे स्टेप्स क्या होंगे, हमें कैसे काम करना है, वो सब रहता है इसमें प्लानिंग के। फिर कुछ पॉइंट्स हैं कि जो कि हमें कंसिडर करने चाहिए, देर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल एंड द डिमांड्स और नीड्स, मतलब ये हो कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसी के बेस पे हमें करना है, ये ना हो कि हाई फाई रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर रहे हैं और हमारे पास हैं अवेलेबल हैं ही नहीं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास। फिर है डिसीजन शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल सिचुएशन, इंडिविजुअल को हमें कंसिडर करके तब प्लानिंग करनी है। फिर द प्लान शुड बी रियलिस्टिक, ये ना होगी हवाई पुलाव बनाते रहें और मतलब रियल में ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसा रिसोर्स ही नहीं है ना हमारा मतलब ऐसा स्टैंडर्ड है कि हम उसको मेंटेन कर पाएंगे। द प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, 4 पॉइंट है ये ध्यान में रखना है। तो रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उससे ही हम करेंगे, रियलिस्टिक होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और इंडिविजुअल बेस्ड होनी चाहिए। फिर है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग इज़ कैरिंग आउट द प्लान, मतलब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज आ गई है, इसको हम जैसे कैसे कैरी आउट करना है। दिस स्टेप्स कॉल्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी यहाँ पे, जो भी हमें चेंजेस लगेंगे हम न्यू डिसीजन लेंगे और एट टाइम्स न्यू डिसीजन आर रिक्वायर्ड विच मे रिजल्ट इन चेंजेस इन प्लान। फिर इसकी कंट्रोलिंग के स्टेप्स हैं, एनर्जाइजिंग, मतलब जो कुछ मोटिवेशन भी चाहिए, एनर्जी जो मेंबर लगे हुए हैं, पर्सनल लगे हुए हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करते रहना चाहिए, मोटिवेशन बूस्टअप कुछ ऐसा पॉइंट करना है हमें। फिर है चेकिंग, ये है मतलब जो इवैल्यूएशन रहता है वो इसके इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में जो इवैल्यूएशन रहेगा, टाइम टू टाइम हमें क्या चेंज करना है और स्टेप बाय स्टेप उसको इवैल्यूएट करना है। जैसे टू गो टू स्कूल ऑन टाइम, वन हैज़ टू गेट द क्लोथ्स, द मील्स, बुक्स रेडी विच नीड चेकिंग और टाइम एट ऑल स्टेज, मतलब मिनिमम जो उसके अंदर के स्टेप्स रहते हैं उनको हमें माइन्यूटली चेक करना है और उसको इवेलुएट करना है कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो हमें इसको चेंज कर देना है।
फिर है एडजस्टिंग. एडजस्टिंग इज डन इन प्लान इफ देर इज ए नीड फॉर फ्रेश डिसीजंस टू बी टेकन. तो ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन में बहुत आते हैं, जैसे ये स्टेप्स ही पूछ लेंगे, ये कंट्रोलिंग के हैं या इवेल्युएशन के स्टेप्स हैं. तो एनर्जाइजिंग, चेकिंग, एडजस्टिंग, ये कंट्रोलिंग के स्टेप्स हैं. और ये भी पूछ लेते हैं कि जो जैसे चेकिंग है तो ये एक टाइप से इवेल्युएशन है, तो ये पूछेंगे एंड में ही इवेल्युएशन होगा ये, मतलब मिडल में भी हो सकता है इवेल्युएशन, तो मिडल में भी हो सकता है प्लान के. फिर है गेटिंग इनटू एक्शन, कीपिंग द रिसोर्सेज मोबाइल एंड नॉलेज ऑफ व्हाट इज़ टू बी डन डन आर ऑल इम्पोर्टेंट इन द स्टेप्स. मतलब हमारा जो रिसोर्सेज, हमको मोबाइल और नॉलेज को ऐसे रखना है कि जो हम उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी डिसीजन ले सकें. फिर इवेल्युएशन इज द चेकिंग ऑफ द प्रोग्रेस, ये चेकिंग ऑफ द मतलब स्टेप बाय स्टेप इसका क्या कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुआ, क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है. विच मे हेल्प वन मूव्स फॉरवर्ड, द एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस एंड द क्वालिटी ऑफ एंड प्रोडक्ट आर टू बी चेक्ड. व्हेन वी हैव क्लियर कट ऑब्जेक्टिव इट बिकम्स ईजियर टू इवेल्युएट द एंटायर प्रोसेस. मतलब ऑब्जेक्टिव हमारे पहले से अच्छे होने चाहिए, वो जो भी लकुना रहेगा या फिर कोई भी पॉजिटिव साइंस है तो वो हमें मतलब वापस लगाने के लिए वो हम देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में इवेल्युएशन करेंगे. तो डेफिनेशन में क्या है, इज़ द चेकिंग अप प्रोसेस. सिंपली डेफिनेशन भी डाल देंगे कि ये इवेल्युएशन का पार्ट है या कंट्रोलिंग का पार्ट है. जैसे इवेल्युएशन की देरी इज़ द चेकिंग अप और विच में हेल्प वन मूव फॉरवर्ड, तो इस टाइप की कोई कन्फ्यूजन सी डेफिनेशन दे देते हैं और उसका नेम कुछ अलग सा दे देंगे, जैसे इम्प्लीमेंटेशन दे देंगे, प्लानिंग का पार्ट है ये क्या है, तो ध्यान रखना है डेफिनेशन. फिर है वैल्यूज, गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स. मैनेजमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग आवर लाइफ, इस इट एनेबल्स टू रिकोगनाइज द वैल्यू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अटेन द फैमिली गोल्स सो एज टू एनहांस द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. तो इंटर रिलेटेड है मैनेजमेंट के तीनों पार्ट ये, स्टैंडर्ड, गोल और वैल्यूज. गोल, वैल्यू एंड स्टैंडर्ड आर क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. वैल्यू इज़ द बेस, फ्रॉम वैल्यू स्टेम्स द अदर टू कॉन्सेप्ट्स. एक्चुअल में ये बोला जाता है कि यहाँ पे ये वैल्यू रहती हैं और फिर ये स्टैंडर्ड और गोल रहता है फिर यहाँ पे, तो ये बेस रहता है इसका. अदर टू कॉन्सेप्ट्स, गोल एंड स्टैंडर्ड. वैल्यू आर इम्पोर्टेंट टू इंडिविजुअल बट वेक टू एक्सप्रेस इन ऑपरेशनल टर्म्स. द कंसेप्ट ऑफ गोल इज मोर स्पेसिफिक, इट सिग्निफाइज समथिंग डेफिनेट टूवर्ड्स विच वन वर्क. स्टैंडर्ड इज डिफाइंड एज समथिंग यूज एज ए बेसिस. मतलब स्टैंडर्ड कि ये इतना इतना स्टेटस या स्टैंडर्ड है हमारा और उसके बेस पे हम गोल सेट करते हैं. तो इंटरलिंकिंग है ये बोल रखा है कि ये क्लोजली रिलेटेड है या इंटरलिंकिंग है तीनों, ये क्वेश्चन में आ जाएगा. फिर है वैल्यू इंडिकेट्स द वर्थ दैट इज अटैच टू एनी ऑब्जेक्ट, कंडीशन, प्रिंसिपल और आइडिया. तो जो वर्थ प्रोवाइड कर रही है, जैसे कोई भी इंटेलिजेंसी है या इस टाइप से, तो ये हमारी वैल्यू है. या फिर हार्ड वर्किंग है, ये वर्थ प्रोवाइड कर रही है हमारी जो क्वालिटी है उसको, तो उस टाइप से. वैल्यू इज कैपेसिटी ऑफ समथिंग समबडी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन डिज़ायर. दीज आर द वेज बिहाइंड अवर एक्शंस एंड बेसिस फॉर सेटिंग गोल्स, ये ध्यान रखना है. ऑल वैल्यूज आर ह्यूमन, दे आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन ह्यूमन दे देंगे तो ये ध्यान रखना कि जो भी वैल्यूज़ होगी वो ह्यूमन ऑब्वियसली है कि जो इंटरनल फैक्टर से आ रही हैं लगभग जो वैल्यूज़ रहती हैं वो जो उनकी क्वालिटी है या किस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं वो वैल्यूज होगी. दे आर क्रिएटेड, इवेल्युएटेड, इंजॉयड बाय पर्संस. गाइस ये बहुत फिलोसफिकल सी बातें हैं लेकिन इसी में बहुत कन्फ्यूजन सा रहता है, तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, जो भी डेफिनेशन है उसको ध्यान से पढ़ लेना. इट हैज़ द एबिलिटी टू डेवलप इन सेल्फ क्रिएटिव वे. इट इज़ रिलेटिवली स्टेबल बट टेंड्स टू चेंज ग्रेजुअली. ये भी डेफिनेशन में आ सकता है कहीं पर भी कि सेल्फ क्रिएटिव वे में सेल्फ क्रिएटिव है और स्टेबल है रिलेटिवली, और चेंज भी हो जाते हैं ग्रेजुअली. लेकिन जैसे स्टार्टिंग में चाइल्डहुड में आप किसी चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हो लेकिन बाद में आप सोसाइटी की साइड फेवर करने लग जाते हो तो वो सोशल वैल्यू चेंज हो जाती हैं आपकी. वैल्यू टू टाइप्स पर बोला है, इंट्रिंसिक और इंस्ट्रूमेंटल.
इज वन दैट इंट्रेंसिक वैल्यू कौन सा बोल रहा है, इज दैट इज इम्पोर्टेंट एंड डिजायरेबल फॉर इट्स ओन सेक, जो ओन सेक के लिए होगी वो इंट्रेंसिक होगी। या आप ऐसे बना लेना जैसे जैसे इंट्रेंसिक हो गया और ये इंस्ट्रूमेंटल हो गया, तो आपको ये जैसे उसके नीचे लिखना है ये ओन सेक के लिए हो गया और ये टू अटेन अदर वैल्यूज, एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंटल है जो टू अटेन अदर वैल्यूज, ये इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर जैसे इंस्ट्रूमेंटल क्या है, एफिशिएंसी इन वर्क, एफिशिएंसी हम कर रहे हैं तो हमें अदर वैल्यू को गोल करना है, क्योंकि हमारी जो अदर वैल्यू जैसे वैल्यू पोजेस बहुत इंट्रेंसिक, हाँ मतलब बहुत भी हो सकती हैं, इंट्रेंसिक है, इंस्ट्रूमेंटल है, एफिशिएंसी लेके आ रहे हैं, तो हमारा जैसे मेन हमारी वैल्यू है कि कोई आर्ट है, हम आर्ट क्रिएट कर रहे हैं कुछ भी, तो उसमें एफिशिएंसी कैसे बढ़ाना है, या फिर टाइपिंग करनी है तो हमें उसमें एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है, तो ये वाला एफिशिएंसी लेके आनी है, वो इंस्ट्रूमेंटल बोला जाएगा, अदर को मतलब सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करना है। द ह्यूमन वैल्यूज लव अफेक्शन हेल्थ कम्फर्ट एम्बिशन नॉलेज विजडम प्ले आर्ट एंड रिलीजन हैव बोथ इंट्रेंसिक एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये कंबाइन में पूछ लेंगे, जैसे कोई भी एग्जांपल दे दिया इंट्रेंसिक का है या इंस्ट्रूमेंटल का है, तो ये ध्यान रखना। फिर पार्कर जो क्लासिफिकेशन दे रखी है उसमें कौन कौन सी वैल्यू का एक्सप्लेनेशन दे रखा है, जैसे लव, लव को इट इज़ द इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप, ये इसलिए बोल रहा है कि लव है वो वैल्यू है ये रिलेशनशिप के प्रति। फिर है हेल्थ इंटरेस्ट इन फिजिकल एंड मेंटल वेलबिंग में, कंफर्ट इंटरेस्ट इन मेकिंग लाइफ एज प्लीजेंट एंड एग्रीएबल एज पॉसिबल, तो ये ध्यान रखना है कि पार्कर की कौन कौन सी उसने मेंशन की हुई है, एम्बिशन नॉलेज एंड विजडम, टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट और एफिशिएंसी इन वर्क प्ले, इंटरेस्ट इन ब्यूटी इन ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो हम कर रहे हैं वो उसमें उसका इंटरेस्ट है। फिर रिलीजन, इट इज़ द रिलीजन इन गुडनेस और राइटनेस, ये वाली वैल्यू को प्रोवाइड करिए है रिलीजन। वैल्यूज़ ग्रो आउट ऑफ ह्यूमन डिज़ायर एंड इंटरेस्ट, वैल्यू डिफर इन कल्चर, द फैमिली हैज़ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फोस्टिंग वैल्यू अमंग द मेम्बर्स, तो ये ध्यान रखना आपको एक इसमें इस पैराग्राफ में जैसे पार्कर की वैल्यू का नेम याद रखना है, आपको यही दे देंगे कि ये वैल्यू का पार्ट है या नहीं है, तो रिलीजन वैल्यू का पार्ट है या नहीं, आप सोचोगे रिलीजन कैसे वैल्यू हो सकती है, तो ये ध्यान रखना है कि गुडनेस और राइटनेस प्रोवाइड कर रही हैं, कोई भी है जो जो रिलीजन को एक्सेप्ट करता है वो इसी पे फोकस करता है कि इसमें अच्छाई क्या है और उसमें क्या हम किस लिए हम इसकी उसको पालन कर रहे हैं मतलब। फिर गोल्स है, गोल्स आर वैल्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव है एक टाइप से, द गोल्स ग्रो आउट ऑफ डिज़ायर past experiences and environment, goals are ends that any individual or family is willing to work for, तो इतना ये definition में ध्यान रख लेना। goal should be definite and attainable, ऐसे होने चाहिए goal कि जो definite और attainable हो। goal setting is continuous process, continuous है, goal can be for short term, mid term, long term, तो ये ध्यान रखना तीन कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। द मेजर गोल ऑफ होम मेकिंग आर प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फिर फैसिलिटेटिंग फॉर ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, सेटिस्फाइंग फैमिली रिलेशनशिप रिकॉग्निशन, इसमें गोल्स में मतलब यही करना है, तो वैल्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव है, डेफिनेशन याद करनी है, फिर गोल आर द एंड्स दैट एनी इंडिविजुअल और फैमिली इज विलिंग टू वर्क, ये वाला एक पॉइंट और ये टू पॉइंट्स। फिर है गोल शुड बी डेफिनेट और अटेनेबल, ये है। फिर गोल सेटिंग इज़ कॉन्टीन्यूस भी है, क्योंकि बीच बीच में भी हमने गोल सेट करते रहते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म और मिड टर्म गोल हम रखते हैं। फिर है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इज डिफाइंड एज स्केल और पैरामीटर यूज फॉर कंपेरिजन, ये जो ये की वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये यही क्वेश्चन में मतलब डिफ्रेंशिएट करने में काम आएंगे आपको। स्टैंडर्ड आर मोर स्पेसिफिक देन वैल्यू और गोल्स, स्टैंडर्ड आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक मटीरियल, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई एक्सटर्नल फैक्टर्स। फिर है द
The standard remain as one part of one's pattern of living and habit. Standard vary according to the value of family or group. उसमें क्या क्या कौन कौन से टाइप हैं, जैसे कन्वेंशनल स्टैंडर्ड, फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड. कन्वेंशनल में जो मतलब जो चले आ रहे हैं पुराने ट्रेडिशनल हो गए, वो वाले कन्वेंशनल हैं, ये कम्युनिटी और सोशल ग्रुप के में एक्सेप्टेड रहते हैं. फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड हैं वो चेंज होते रहते हैं इंडिविजुअल डिमांड के अकॉर्डिंग. ये वाइडली एक्सेप्टेड नहीं होते, ये मतलब इंडिविजुअल बेस्ड रहते हैं, तो सोसाइटल एक्सेप्टेंस ज़्यादा नहीं होती इनमें. फिर ये इन्होंने बोल रखा है कि अकॉर्डिंग टू हेजल क्रैक, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज मेड अप ऑफ एसेंशियल वैल्यू टू बी सोट. इट इज़ एटीट्यूड टुवार्ड्स ए वे ऑफ रिगार्डिंग और जजिंग ए गिवन मोड ऑफ लाइफ. तो ये डेफिनेशन है, कहीं आ सकती है, ये नहीं आएगी कि ये किसने पूछा है और इतना हम याद भी नहीं कर सकते, पर डेफिनेशन कहीं पर इस टाइप से कोई मोल्ड करके दे दिया तो उसमें आ सकता है. फिर है डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग इज़ द हार्ट ऑफ होम मैनेजमेंट. इट रिक्वायर नॉलेज ऑफ एसेंशियल इंफॉर्मेशन, अप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन लाइफ सिचुएशन एंड विलिंगनेस टू नो एंड टू अप्लाई. सो द रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग इन मैनेजमेंट इन्वॉल्व नोइंग एक्चुअली अप्लाइंग एसेंशियल इंफॉर्मेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ डे टू डे लाइफ. फिर क्या है, मैनेजमेंट इज ए मेंटल प्रोसेस, ये भी कहीं पर भी आ सकता है कि क्या है. इन बोले सीरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट का पार्ट है, मेजर मेन पार्ट है इसका डिसीजन मेकिंग. तो उसके स्टेप्स क्या हैं डिसीजन मेकिंग के, डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशंस देखेंगे, फिर एनालाइज करेंगे उन अल्टरनेटिव्स को, फिर सिलेक्ट करेंगे उनमें से एक ही बेस्ट अल्टरनेटिव है इसमें. एक्शन इन कैरिंग आउट एंड प्लान एंड बियरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस. फिर एक्शन मतलब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, एक्शन में लेके आएंगे जो भी सॉल्यूशन हो उनको, और फिर प्लान करेंगे, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं उसकी. तो यही एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे. फिर डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, इट इन्वॉल्व्स द रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, मतलब कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे हम कोई भी इशू है उसको हम लेके आ रहे हैं. फिर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जो भी इफेक्टिव होगा उसको हम डिसीजन मेकिंग विल बी इफेक्टिव ओनली व्हेन वन आइडेंटिफाई पॉसिबल अल्टरनेटिव. द चॉइस ऑफ बेस्ट सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव रिक्वायर्स थ्रू नॉलेज. तो ये ध्यान रखना है कि आइडेंटिफाई करना है हमने, एनालाइजिंग करना है, इतना ही मेन जो इसके हेडलाइन है वो ही आएगी, उससे ज़्यादा कुछ पूछेंगे भी नहीं. एनालाइजिंग द अल्टरनेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे हम कि कौन से मतलब बेस्ट आ रहे हैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कौन से हमारी जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग उसको हम जो भी रिलेवेंट होगी उसको हम चूज कर लेंगे. फिर सिलेक्शन करेंगे अल्टरनेटिव, पॉसिबल अल्टरनेटिव जो केयरफुली सिलेक्ट करेंगे एक कॉमन शूड. फिर है एक्सेप्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज, जो भी कॉन्सिक्वेंस आएंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे. फिर टाइप ऑफ डिसीजन, इंडिविजुअल डिसीजन, ये बोल रहा है कि मोर क्विकली मेड होते हैं, और जैसे डिसीजन पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल, जैसे एजुकेशन हो गया, ये एग्जांपल भी पूछ लेंगे कि जैसे इंडिविजुअल डिसीजन कौन सा है मोर क्विकली मेड है, ये ध्यान है इम्पोर्टेंट रखना. और फिर एजुकेशन का इंडिविजुअल ही है क्योंकि पर पर्सन ही एजुकेशन की उसको कैसी प्रोवाइड करनी है उसके उस पर बेस्ट रहेगी. फिर है ग्रुप डिसीजन, इट इज़ मेड फ्रॉम द कलेक्टिव एक्शन ऑफ सेवरल इंडिविजुअल ईच ऑफ होम has distinct value, goal, standard and role perception. It is a difficult process and a slow process. Role conflict would emerge in this situation. ये पूछ लेंगे conflicts सबसे ज़्यादा किस में रहते हैं, group decision में रहते हैं, और difficult भी है क्योंकि सबके अलग अलग goals, values, standard रहते हैं. Habitual ये it is lowest level of decision, मतलब जो routine में जो आ रहा है उसको हम एक decision में ले लेंगे, systematic work में ले लेंगे. फिर है सेंट्रल डिसीजन, मतलब कोई मेजर है हमारा और उसके बेस पे हमने अपने डिसीजन लेने हैं, जो कि जैसे इसमें बता रखा है सेंट्रल डिसीजन हैव मैनी सपोर्टिंग डिसीजन टू कंप्लीट द होल टास्क. परचेजिंग ए हाउस इज अ सेंट्रल डिसीजन, दिस लीड्स टू लुक आउट फॉर अदर सपोर्टिंग डिसीजन लाइक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कम्युनिटी फैसिलिटी एंड सेविंग्स. हम कैसे करनी है वो हमारा मतलब
डिसीजन लेंगे उसको परचेज करने के लिए कि हम मनी कहाँ से लेके आएंगे, फिर हम वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कैसे जाएंगे वहाँ तक, या फिर वहाँ पे लोकेलिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, कम्युनिटी फैसिलिटी क्या है. इकोनॉमिक डिसीजन, इट इज़ बेस्ड ऑन अलोकेशन एंड एक्सचेंज प्रोसेस रिलेटिंग टू रिसोर्सेज यूज. दिस डिसीजन इज द अलोकेशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज टू अटेन ए गोल. This it reveals the allocation of resources among the combination of goals that will bring about the greatest degree of satisfaction. फिर है technical decision. This decision involved a decision which will enable the best combination of resources. तो इसमें combination होगा technical में to achieve the standard goal. ये इसमें जो भी हमारे पास resources रहेंगे उसका combine करके हम best decision लेते हैं इसमें. आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी. इस वीडियो का आप प्लीज़ ध्यान से